आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। जब तक तुम घर पे थे सेफ थे, क्योंकि वहां मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। लेकिन यू नो व्हाट, घर से भाग के तुमने मेरा काम और आसान कर दिया। सुपर इजी। पिछले कुछ दिनों से जैसे तुमने बिहेव किया है, उससे सबको यही लगेगा कि तुम इमोशनली डिस्टर्ब थे, इसलिए तुमने खुद को हर्ट कर लिया है। दादी माँ ने कहा था कि मेरे मम्मी पापा अक्सर यहाँ आया करते थे, इसलिए मैं भी आ गया। लेकिन मुझे नहीं पता कि मेरी मम्मी कहाँ रहती है। लेकिन आप तो जानते होगे ना, है ना भगवान जी, आप मेरी मम्मी को ढूंढने में मेरी हेल्प कर देना। अरे क्या हुआ बेटा? मम्मा, हम पापा के पास नहीं जा सकते। अरे मैंने आपको बताया था ना, पापा बहुत दूर रहते हैं। जिस तरह वो हमारे पास नहीं आ सकते, हम भी उनके पास नहीं जा सकते। तो फिर मेरा भाई, मेरा भाई मुझे राखी पे राखी बनवाने क्यों नहीं आता? बोलो ना मामा। आदि के बारे में कुछ पता चला? Make him do one thing। आदि के स्कूल जाओ, उसके क्लासमेट्स और उसके फ्रेंड्स सबका एड्रेस निकालो और सबके घर पे जाकर चेक करो। हो सकता है आदि अपने किसी फ्रेंड के यहाँ पर गया हो, और जैसे ही उसके बारे में पता चले मुझे इन्फॉर्म करो, ठीक है? फोन नहीं उठा। अंश, डोंट वरी, पुलिस आदि को ढूंढ रही है। पता नहीं मेरे आदि और अंश की जिंदगी में खुशियां कब आएंगी। इस साल हो गए पिया को इस घर से गए। आज तक हमें पिया की कमी इतनी करती है, तो सोचो आदि और अंश का क्या हाल होता होगा। आज अगर पिया इस घर में होती तो मेरा आदि कभी घर छोड़कर नहीं जाता। हिम्मत रखो जी। देखो तुम अगर ऐसे कमजोर पड़ जाओगी तो बेटे को कौन संभालेगा? अगर हम बार बार पिया को याद करते रहेंगे तो अंश उसे कैसे भूलेगा जी? कैसे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ेगा? उर्वशी से हम बेटे की शादी इसलिए करवा रहे हैं ताकि वो अपने बीते कल को भूल के अपने आने वाले कल के बारे में सोच। हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक है? क्या हुआ अविनाश? कंट्रोल रूम से कॉल आया था, किसी ने आदि को मंदिर के पास देखा है।
परी, जैसे मैं आपके पास हूँ वैसे आपके भैया पापा के पास है। यू मीन अगर वो हमारे पास आ जाएंगे तो पापा अकेले पड़ जाएंगे ना, है ना? हाँ। कॉपी दैट। अब अच्छी राखी लो और कृष्णा को बांधो। कृष्णा जी मेरी ये राखी मेरे भाई तक पहुंचा देंगे ना? हाँ जरूर पहुंचा देंगे। अब जाओ कृष्णा को राखी बांधो। की रक्षा करना, उसे हर मुश्किल से बचाना। नायन भले ही मंदिर के अंदर नहीं जा सकती लेकिन मैं तो भस्म खाऊं। ज्योति तो बुझ गई, वो यहाँ आसपास तो कोई भी नहीं है। वो काली शक्ति इस वक्त यहाँ नहीं है लेकिन थोड़ी देर पहले वो यहीं थी। वो देखो साहे, अंश का घर यहीं है। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि ये ज्योति यहाँ क्यों आकर रुकी? डैड ये देखिए, कितना अजीब सा पंख है ये। ये किसी आम पंछी का पंख नहीं लग रहा। इनफैक्ट आज तक मैंने ऐसा पंख कभी नहीं देखा। तो क्या ये उस काली शक्ति का पंख है? हो सकता है, शायद इसलिए वो ज्योति हमें यहाँ पर लेकर आई थी। इसका मतलब है कि वो काली शक्ति उड़ सकती है। फिलहाल इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। इस पंख को संभाल के रखो, इस काली शक्ति को ढूंढने में ही हमारे काम आएगा। क्या वो डैडी बहुत गर्म है? इसका मतलब कि ये पंख चलने वाला है डैड, जैसे वो पीछे चले थे। डैड कुछ करना होगा वरना वो काली शक्ति हमारे हाथ से चली जाएगी। ये आखिरी उम्मीद है, प्लीज डैड कुछ कीजिए। शीतल द्रव्य, तुम्हारे बैग में शीतल द्रव्य तो होगा? हाँ हाँ
ये अब ये नहीं चलेगा। लेकिन डैड, ये काली शक्ति यहाँ आई क्यों थी और वो यहाँ से आगे कहाँ गई होगी? तक तुम घर पे थे, सेफ थे, क्योंकि वहां मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। लेकिन यू नो व्हाट, घर से भाग के तुमने मेरा काम और आसान कर दिया है, सुपर इजी। पिछले कुछ दिनों से जैसे तुमने बिहेव किया है, उससे सबको यही लगेगा कि तुम इमोशनली डिस्टर्ब थे, इसलिए तुमने खुद को हर्ट कर लिया है। To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.